जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चैप्टर 5 का टेक्स्ट 6 शेयर करना चाहूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है, मेयरली अनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज येट नॉट एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट मेक वन हैप्पी, बट अ थॉटफुल पर्सन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस कैन अचीव द सुप्रीम विदाउट डिले। तो फ्रेंड्स, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, भगवान ने एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी ने कर्मों का परित्याग यानी कि कर्म करना और फलों की इच्छा को छोड़ देना, वहां तक पहुंच गया है कोई, लेकिन एक्चुअली वैसे इंडिविजुअल को अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, जो होता है ना आनंद, वो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो भक्ति में नहीं लग रहा है अभी तक। तो इस भक्ति का एक उत्तम रस होता है, हायर टेस्ट होता है, जो भगवान की सेवा से मिलता है। तो किसी ने वर्ल्डली लाइफ के प्लेजर्स का त्याग भी कर दिया है और दुनियादारी के जो इंद्रिय भोग होते हैं, और अपने कर्म भी वो फलों की इच्छा का त्याग करके कर रहा है, ठीक है, उसको मन की शांति जरूर मिलेगी, नो डाउट, चिंता कम हो जाएगी उसकी, लेकिन जो आनंद है, कहीं ना कहीं इंसान एक आनंद ढूंढ रहा है, वो उसी इंडिविजुअल को मिलता है जो कि उसके साथ साथ कर्म करके फलों की इच्छा का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में भक्ति भाव लाए और अपने स्पेयर टाइम में डिवोशन की ग्रीड बढ़ाए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लालच बढ़ाए, ह्यूमैनिटेरियन वर्क का लालच करे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, और भगवान से प्रार्थना भी करे कि भगवान मुझे अपनी सेवा दीजिए। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा विचारवान मनुष्य जो है, जो इस तरह से चलता है, उसको भगवान फटाफट बहुत जल्दी शीघ्र ही मिल जाते हैं। तो भगवान का मिलना फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में होता है, हमारी लाइफ में पॉजिटिव क्वालिटीज स्ट्रांग होते जाना, डिवाइन क्वालिटीज, नेगेटिव क्वालिटीज घटते जाना, ओवरऑल एक प्रोडक्टिव और एक हैप्पी लाइफ जीना हर एक एस्पेक्ट में, और अल्टीमेटली डेथ के बाद भगवान के धाम पहुंच जाना। जो लोग डिवोशन ऐसा लग रहा है उनको कि वो कर रहे हैं लेकिन लाइफ में उन्होंने इम्बैलेंस बना रखा है सारे कंपोनेंट्स में, उनके लिए ये मैसेज है कि फ्रेंड्स, डिवोशन का एक दूसरा नाम है लाइफ के सब कंपोनेंट्स में बैलेंस लेके चलना, रिश्तों में प्यार बनाना, प्रैक्टिकल लाइफ को इम्प्रूव करना। कभी भी डिवोशन को ये नहीं समझना चाहिए कि बस एक जगह पे बैठ के माला करते रहे और बाकी चीज़ों को, अपनी लाइफ के कंपोनेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो इस तरह से चलेगा उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो एक्चुअली समझ चुके हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति अपने लाइफ के सारे कंपोनेंट्स में ड्यूटी समझ के, भगवान की सेवा समझ के अपनी ड्यूटीज भी करनी है। यस, वे टाइम में हमें डिवोशनल एक्टिविटीज भी बढ़ानी है। अगर कोई ऐसे चलेगा तो वो हैप्पीनेस को बहुत जल्दी पा सकता है अपने जीवन में और एक ब्लिसफुल लाइफ लीड कर सकता है। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ मिलते हैं।